HTML blocks. What is the concept of blocks in HTML? HTML में जितने भी हमारे पास elements हैं, those are typically divided into either a block element or an inline element. हमारे पास जो block elements हैं, वो हमेशा start होते हैं with a new line और end भी होते हैं with a new line. हमारे पास जो भी block level element होता है, वो जब भी हमारे पास close होता है, तो वो पूरी स्पेस लेके जितनी उसके पास उस विड्थ में उस डिस्प्ले में गुंजाइश होती है वो तमाम स्पेस लेने के बाद जो है एंड होता है. जबकि हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उतनी स्पेस लेते हैं डिस्प्ले में जितनी के उसका कंटेंट जो है रिक्वायर करता है. अगर कंटेंट को उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर उसमें जो जितना भी कंटेंट होगा वो सिर्फ उसके हिसाब से उसमें स्पेस को डिस्प्ले में उस स्पेस को लेंगे. हमारे पास टिपिकल ब्लॉक के लेवल एलिमेंट्स हैं, H1 का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, लिस्ट के टैग्स हैं, टेबल का टैग है या डिवीजन का टैग है. इस तरह लाइन इनलाइन एग्जांपल्स हैं, हमारे पास बोल्ड का टैग है, हमारे पास डेटा एलिमेंट का टैग है, एंकर का टैग, इमेज का या स्पैन का, या इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास HTML में हैं वो आइदर अ ब्लॉक एलिमेंट हैं या इनलाइन एलिमेंट हैं. डिव के एलिमेंट को हम देखते हैं. डिवीजन जो कि सिंपल div के नाम से डिव का टैग है, कॉमनली यूज होता है और इसको हम बेसिकली इसको सिर्फ यूज करते हैं एज अ कंटेनर. रिमेंबर के हमारे पास जो डिव का टैग है इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं रखता, ये कोई डिफरेंट फॉर्मेटिंग नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है टू कंटेन अदर एलिमेंट्स या टू कंटेन सम डेटा इन इट. और हम इसके ऊपर जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर. और इसी जो तरह जो डिव है ये बेसिकली यूज भी इसीलिए होता है टू डिफरेंशिएट द लेआउट. जो हमारे पास जब हम डिजाइन करते हैं हमारे पास जो ब्लॉक्स बनते हैं हेडर फुटर नेविगेशन, नॉर्मली उनको हम डिविजन्स में इसकी मदद से टैग की मदद से डिफरेंट ब्लॉक्स में सेपरेट सेपरेट जो है उसको डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको ऊपर CSS की मदद से उनको स्टाइल करते हैं और उसके बाद उसको हम अपने पेज पे जिस तरह हमें डिस्प्ले करना होता है वहां उसको उस तरह से उसको डिस्प्ले करते हैं. एक टिपिकल डिव टैग की हमारे पास इस यहां पे एग्जांपल है कि हमने डिवीजन का टैग है उसके अंदर जो है मल्टीपल टैग्स को इनकैप्सुलेट किया है. रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इस पे स्टाइल भी अप्लाई करते, अगर हम इस पे स्टाइल अप्लाई ना करें तो ये डिव का टैग इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं रखता, ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ उसको सेपरेट कर देगा इन पर्टिकुलर जो हमारे पास जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा, लेकिन ये इटसेल्फ कोई उसके ऊपर डिस्प्ले पे कोई सेपरेट इफेक्ट नहीं डालेगा. हमारे पास इसी तरह से स्पैन का एलिमेंट मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है जिस तरह डिवीजन का टैग है, बट कि हमारे पास ये जो है डेटा कंटेन करता है अपने अंदर और इसके अंदर मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि स्पैन का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इट डज नॉट स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, इट इज़ एन इनलाइन एलिमेंट. और इसमें भी हमारे पास उसी तरीके से जिस तरह हम डिव के अंदर डेटा इनकैप्सुलेट करते हैं, हम स्पैन में भी डेटा इनकैप्सुलेट करते हैं, लेकिन जो स्पैन है उसके सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वो इनलाइन है और सिर्फ किसी पार्शल डेटा को जो है किसी एक जो डेटा सेट हो उसका किसी पार्शियल हमने किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए हम उसको स्पैन को यूज करते हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहां पे स्पैन हमारे पास जो वर्ड हमने था पूरा सेंटेंस था माय इम्पॉर्टेंट हेडिंग, उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट के वर्ड के ऊपर हमने स्पैन जो है वो अप्लाई किया है टैग उसको और उसके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई किया है. यहां पर अगर हमें किसी भी वक्त कोई इस तरह से हमें करना हो कि हमें कोई एक पार्शियल पोर्शन को ऊपर कोई सेपरेट स्टाइल अप्लाई करना है तो उस केस में हम स्पैन यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें टू अ सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसके केस के उनके ऊपर कोई भी हमें CSS अप्लाई करनी है तो हम डिव का टैग यूज करते हैं. आई बिलीव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्लॉक कॉन्सेप्ट इन HTML नाउ.